जीटीबी अस्पताल में 24 साल की लड़की का धारदार हथियार से रेता गया गला। लड़की की हालत है नाजुक। अस्पताल के आईसीयू में है भर्ती। वारदात की वजह अभी स्पष्ट नहीं। पुलिस मामले की कर रही है जांच। चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय में दो गार्ड ने नर्स के साथ की बदतमीजी। पीड़िता ने अस्पताल प्रशासन से की शिकायत। अस्पताल प्रशासन ने नर्स को टर्मिनेट करने की कही बात। क्राइम ब्रांच ने दो ड्रग सप्लायर्स को पकड़ा किया गिरफ्तार। सीमापुरी बस डिपो पर तड़के 4:50 पर पकड़ा। पास से 51 किलो गांजा होंडा सिटी कार की जब्त। दोनों आरोपी शामली के हैं रहने वाले। शाहदरा पुलिस को मिली सफलता। सोने के कंगन लूटने वाले को पकड़ा। मामला दर्ज कर जांच की शुरू। और हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लोगों में देखने को मिला था उत्साह। सर्वोदय कन्या विद्यालय में तिरंगा पिछले कई दिनों से है फटा। तिरंगे की सुध लेने वाला अभी तक कोई नहीं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान और आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्वी दिल्ली की अहम खबरों के साथ। जीटीबी अस्पताल में एक युवती का धारदार हथियार से गला रेतने का मामला सामने आया है। युवती को लहूलुहान करने के बाद आरोपित फरार हो गया। गंभीर हालत में 24 साल की शिवानी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उसका ऑपरेशन किया गया। वहीं आईसीयू में उसे भी भर्ती किया गया है। हालत नाजुक बताई जा रही है। गला रेतने की वजह अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है। ये घटना सोमवार की है। आशंका है कि युवती के एक दोस्त ने वारदात को अंजाम दिया हो। हत्या के प्रयास की धारा में एफआईआर दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है। अस्पताल और परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल कर पुलिस आरोपित की पहचान करने का प्रयास कर रही है। शिवानी अपने परिवार के साथ नंद नगरी में रहती है। सोमवार दोपहर 12:30 पुलिस को सूचना मिली कि एक युवती खून से लथपथ हालत में जीटीबी अस्पताल के शुगर ब्लॉक की बिल्डिंग की सीढ़ियों के पास पड़ी हुई है। पुलिस मौके पर पहुंची, देखा कि युवती का धारदार हथियार से गला रेता हुआ है। उसके पास से ऐसा कोई कागजात नहीं मिला जिसकी उसकी पहचान हो सके। पुलिस ने तुरंत उसे अस्पताल में भर्ती कराया। हालत गंभीर होने पर डॉक्टर्स ने युवती का ऑपरेशन किया। मंगलवार को जाकर युवती की पहचान हो सकी। अस्पताल में उस जगह वारदात को अंजाम दिया गया जहां पर लोगों की ज्यादा आवाजाही नहीं है। पुलिस को जांच में पता चला है कि युवती अपने किसी जानकार के साथ सोमवार को अस्पताल आई थी। किसके साथ आई थी पुलिस उसकी जांच पहचान कर रही है। वहीं डीसीपी आर साथिया सुंदरम ने बताया कि युवती का अस्पताल में इलाज चल रहा है। वारदात की वजह भी स्पष्ट नहीं हो पाई है। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाला जा रहा है और आरोपित की पहचान का प्रयास लगातार किया जा रहा है। थाना पुलिस के अलावा कई टीमों को इस मामले में लगाया गया है। क्राइम ब्रांच ने दो ऐसे ड्रग्स सप्लायर को गिरफ्तार किया है जो दिल्ली मेरठ में ड्रग्स की तस्करी करते थे। आरोपी सलमान, जिसकी उम्र 27 साल और तालीम, जिसकी उम्र 24 साल है, जिसके पास से 51 किलो गांजा बरामद किया गया है। आरोपियों की होंडा सिटी कार जब्त कर ली गई है। साथ ही इनके खिलाफ NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि क्राइम ब्रांच ईस्टर्न रेंज 3 टीम को 12 से 13 सितंबर को सूचना मिली थी कि सलमान नाम का लड़का दिल्ली मेरठ में थोक के अंदर ड्रग्स सप्लाई करता है। वह आज देर रात भी ड्रग्स लेकर सीलमपुर से भोपुरा यूपी की तरफ जाएगा। सूचना के बाद एक टीम को रेड के लिए तैयार किया गया। सीमापुरी बस डिपो पर तड़के 4:50 पर बैरिकेड्स लगाकर कार को जांच के लिए रोका गया। दोनों के अलावा कार में 3 बोरे बरामद किए गए। उनकी तलाश ली गई तो उनमें गांजा निकला था। एक बोरे का वजन 17 किलो था। आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों का पिछला कोई रिकॉर्ड अभी तक नहीं मिला है, लेकिन खंगाला जा रहा है। दोनों शामली के रहने वाले हैं, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर दो गार्ड ने एक नर्स को बुरी तरह से पिटाई की है। हैरानी की बात यह है कि जब नर्स ने इस मामले की शिकायत अस्पताल प्रशासन से की, तो अस्पताल के गार्ड कुछ कहने के बजाय नर्स को ही टर्मिनेट करने की धमकी दे डाली। और हिम्मत तो देखिए, इन गार्ड ने महिला नर्सिंग स्टाफ को रूम में ही लेकर ले जाकर उनके साथ पिटाई की।
ये पूरा मामला मंगलवार का है जब नर्सिस के साथ दो मेल और एक फीमेल गार्ड ने बदतमीजी की है। कल शाम को 7:30 बजे यहीं के दो गार्ड ने एक लेडी गार्ड के साथ मिलकर बदनीयती के साथ में उनके साथ में मारपीट की। उन्होंने सिर्फ गार्ड को इतना बोला था कि आप अपना काम ठीक से कीजिए, इस बात पे उनको चुपचाप एक कमरे में ले गए। अमृत कमरे में ले जाके आधे घंटे तक उनके साथ में मारपीट की। वो ज़्यादा घबरा गए मारपीट से। जब वो बाहर निकले तो उनको बाहर भी गालियाँ दी हैं और गालियाँ दी के धमकाया कि तुम्हें हम जान से मार देंगे, तुम्हारे खिलाफ़ गलत तरीके का केस लगवा देंगे। हाँ, दोनों महिला कर्मी थे, एक हमारा जो नर्सिंग कर्मी स्टाफ पुरुष था, एक पुरुष नर्सिंग कर्मी के साथ में इनके साथ में ये बदतमीजी उन्होंने की है। तो दो महिला नर्सिंग कर्मियों ने साथ में आके फिर उनको छुड़ाया और छुड़ाने के बाद में भी वो लगातार गालियां देते रहे और धमकी देते रहे। ब्रदर के साथ ये जो मारपीट का किस्सा है, हमें सुरक्षा चाहिए। हमारी सिर्फ यही मांग है कि अगर हम सुरक्षित नहीं रहेंगे तो हम कैसे काम कर पाएंगे। इस प्रकार से पहले भी वारदातें होती रही हैं। एक फीमेल गार्ड को साथ में ले लिया और उसको विक्टिम बना के कि भाई इस लड़के ने इसके साथ बदतमीजी करी, ऐसा एलिगेशन लगवाया। ये सारा सरासर झूठा एलिगेशन है जो कि हमारे नर्सिंग स्टाफ पे लगाया गया है। हम अपने नर्सिंग स्टाफ के साथ हैं और सारे नर्सिंग स्टाफ सिर्फ और सिर्फ और हमारा पूरा पैरामेडिकल स्टाफ, पूरा चाचा नेहरू का स्टाफ सिर्फ यही चाहता है कि हमें सुरक्षा प्रदान की जाए। अब इस माहौल के अंदर इतना गंदा माहौल बनाया जा रहा है, जबरदस्ती स्टाफ को टारगेट कराया जा रहा है हर एक जगह पे। पर्टिकुलर कोई भी नर्सिंग स्टाफ हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, उसे पर्टिकुलर एक जगह से उसे पिंच करा जा रहा है बार बार कि यही बंदा काम कर रहा है, गलत काम कर रहा है। और एक फीमेल स्टाफ को साथ में लेके आप दूसरी तरफ से उसे बचाना चाह रहे हो, जिसने कि बल्कि उस बंदे को मारा है उसको बचाना चाह रहे हो आप। इसके तो सरासर गलत है। अब बिल्कुल सपोर्ट में हमारा स्टाफ हमारे साथ नहीं कर रहा काम, डायरेक्टर को बल्कि हमारे साथ सपोर्ट में काम करना चाहिए, बल्कि वो हमारे अगेंस्ट में काम कर रहे हैं। पूर्वी दिल्ली की शाहदरा पुलिस को अहम कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने कुछ दिन पहले चाकू दिखाकर सोने के 4 कंगन लूटने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें, कुछ दिन पहले दुकान पर घी लेने के बहाने दौड़के आए थे और चाकू दिखाकर सोने के कड़े महिला से लूट लिए थे। उसके बाद माहौल में मतलब जो इलाके में अफरा तफरी का माहौल मच गया था, लोगों में डर हो गया था, जिसकी शिकायत तुरंत जगतपुरी थाने में दी गई थी। पुलिस ने तुरंत एक टीम को गठित किया, उसके बाद उसको पकड़ लिया गया है जिसने इस वारदात को अंजाम दिया था। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला था। इसको लेकर तैयारियां भी खूब की गई थी। राष्ट्रीय ध्वज को अपने अपने घरों, कार्यालय, ऑफिस पर सब जगह लगाया गया था। जैसे ही 15 अगस्त निकला कि ध्वज की अनादर होने लगा। तिरंगे के सम्मान का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए था, लेकिन हाल में ही हमने देखा कि सर्वोदय कन्या विद्यालय चंद्रनगर में झंडा पिछले 4 दिनों से फटा हुआ है, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं है। इस पूरे मसले पर हमने विधायक एस के बग्गा से बात की तो उनका कहना है कि जल्दी इस पर कार्रवाई होगी और झंडे को बदल दिया जाएगा। देखिएगा, दिल्ली में 550 झंडे लगाए हैं अरविंद केजरीवाल जी ने, और हर झंडे जितने भी झंडे लगे हैं उसको मेंटेन करने के लिए टीम बनी हमारी, जो आप बता रहे हो चंद्रनगर स्कूल में, इसके कल मेल कर दिया प्रिंसिपल ने। देखिए, बरसात होगी, कुछ होगा, आंधी आएगी, झंडे फटेंगे भी, गंदे भी होंगे, तो कंप्लेंट कर दिया उसकी, तो आज शाम तक या कल सुबह तक बदल देंगे उसको। मैंने प्रिंसिपल, मैं बताऊँ, मैं कल भी होके आया हूँ, स्कूल जाता रहता हूँ, तो इसकी ऑनलाइन भी कंप्लेंट कर दी है, हमने भी कंप्लेंट कर दिया है इसकी। एक टीम बना रखी है पूरी दिल्ली में, 550 टीमें हैं जो हर झंडे का ध्यान रखेंगी, गंदा होगा साफ करेंगी, फटेगा चेंज करेंगी, उसको जो जो एक्टिविटीज करनी है वो सबकी ड्यूटी दे रखी है। अब देखिए, मौसम के साथ तो कोई नहीं कर सकता, बरसात आई, आंधी आई, तो ये चेंज हो जाएगा। दिल्ली में नगर निगम वार्डों के परिसीमन की अधिसूचना जारी कर दी गई है। नए परिसीमन के बाद इस बार 272 के बजाय अब 250 वार्ड किए गए हैं। अधिसूचना जारी होते ही आम आदमी पार्टी ने भाजपा पर हमला तेज कर दिया। आप नेता अतिशी पूर्व दिल्ली के गाजीपुर लैंडफिल साइट पर पहुंची और कहा कि भाजपा का चमत्कार देखो, कूड़े का पहाड़ देखो अभियान की शुरुआत करती है। सैकड़ों आप कार्यकर्ताओं के साथ गाजीपुर लैंडफिल साइट पहुंची, जहां पर पुलिस ने बैरिकेड लगाकर अतिशी को लैंडफिल साइट में घुसने से रोक दिया, जिसके बाद अतिशी सहित सैकड़ों आप कार्यकर्ताओं ने भाजपा के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। आप नेता ने कहा कि जब कोई दिल्ली की तरफ आता है तो कूड़े का पहाड़ देखता है, तो समझ में आता है कि दिल्ली आ गई है।
भाजपा का चमत्कार देखो, कूड़े का पहाड़ देखो। हम पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे गाजीपुर का कूड़े का पहाड़ यहाँ पे है। 150 फुट ऊंचा ये कूड़े का पहाड़ है। 1.5 लाख टन कूड़ा यहाँ पे है। 2,500 टन कूड़ा रोज इसमें बढ़ता रहता है। अभी जो इसकी सफाई का रेट है, इससे साफ करने में अभी 200 साल लग जाएंगे। इतनी बदबू है यहाँ पे कि इंसान यहाँ पे खड़ा नहीं रह सकता। स्थानीय लोगों में इतना गुस्सा है, जिनको इस बदबू में, यहाँ से आने वाले धुएं में जीना पड़ता है। और लोगों ने अपना मन बना लिया है कि जिस तरह से घर से अपने कूड़े को बाहर फेंकते हैं, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली से बाहर फेंकने वाले। गौतम मम्मी ने आके दावा किया था कि हमने कूड़े का पहाड़ कम कर दिया। अगर आप पीछे जाएंगे गाजीपुर बी ब्लॉक की तरफ, तो आपको दिखेगा कि कूड़े के पहाड़ को और कैसे नया कूड़े का पहाड़ बगल में जरा जा रहा है। सामने पेपर मार्केट में जाएंगे तो देखेंगे कैसे कूड़े का पहाड़ बनाया जा रहा है। पिछले 17 साल में भारतीय जनता पार्टी इस कूड़े का निस्तारण नहीं कर पाई। और ये पता लगा कि अभी दिल्ली की 16 जगह पर और 16 स्थानों पर कूड़े का पहाड़ बनाया जा सकता है। संगठनों ने दिल्ली के LG को पत्र लिखकर कहा कि रामलीला, दशहरा और दुर्गा पूजा की तरह छठ घाटों के लिए स्थानों को निर्धारित किया जाए। पूर्व दिल्ली में पूर्वांचल के लोग काफी हैं, छठ को मनाते हैं। इस पर हमने पूर्व दिल्ली के पूर्वांचल लोगों से बात की, उन्होंने क्या कहा छठ के लिए जगह निर्धारित करने को लेकर, जरा आप भी सुनिए। छठ हिंदू आस्था का एक महापर्व है और इस पर्व को मनाने के लिए जैसे रामलीला के लिए सरकार ने जगह दे दी है या अन्य कार्यक्रमों के लिए जगह दे दी, वैसे हम पूर्वांचल वासी ये मांग करते हैं कि हमें भी खास करके जमुना के किनारे एक ऐसी जगह दी जाए जहां हर साल हम अपने छठ पर्व को हर्षोल्लास के साथ मना सकें और हिंदू भावना को और ज़्यादा जागृत कर सकें। हमारी छठ पूजा के लिए सुविधा दिया जाए, जैसे रामलीला मैदान में होते हैं रामलीला जी, राम जी के लिए, वैसे हमारे छठ पूजा के लिए जगह मिला चाहिए जमुना किनारे। सर ये 6 दिन की होती है। और किस तरह का अरेंजमेंट रहता है? बहुत बढ़िया रहता है सर, इसीलिए सरकार से हमें मांग है कि छठ पूजा के लिए हमें जगह दिया जाए। जी सर, जैसे हम लोग पूर्वांचल से आते हैं, पूर्वांचल की एक बड़ी योग्य ये आस्था है, जैसे पूरे हिंदुस्तान के हिंदू भावना से जुड़ा हुआ है। आजकल के समय में मतलब सारे लोग इससे जुड़ रहे हैं, तो इसके लिए जगह ऐसी चाहिए जैसे बड़ा सा जगह हो जमुना के किनारे, क्योंकि ये सूरज का जो आराधना करते हैं पानी में ही होता है, उसके लिए पानी किनारा जरूरी है जगह। आप देख लीजिए पिछले साल जगह की कमी की वजह से ही बहुत दिक्कत हुई, फिर भी हमारे जो संस्थापक थे अच्छे प्रोग्राम किए, जगह भी दी, जो भी उस हिसाब से जमुना किनारे ही एक जगह मिलता है जो वहाँ पर बच्चों के खेलने की अब पब्लिक है और इकट्ठा होने की जगह उसी जगह पे, जिस हिसाब से जमुना के किनारे जगह है वही सरकार से हम मांग कर रहे हैं। दिल्ली में नगर निगम के सीटों की कुल संख्या 272 से घटकर 250 कर दी गई है। दिल्ली में पहले तीनों MCD नॉर्थ, साउथ और ईस्ट मिलाकर नगर निगम में कुल 272 वार्ड थे। नॉर्थ और साउथ MCD में 104 और पूर्व दिल्ली नगर निगम में थे 64 वार्ड। पूर्व दिल्ली के गांधीनगर और सीमापुरी में एक एक वार्ड खत्म कर दिया गया है। इस पर CCN की रिपोर्टर वंदना ने पूर्व पार्षदों से बात की है, क्या कहा उन्होंने, जरा आप भी सुनिए। चुनाव आयोग ने कल ही अपना एक ड्राफ्ट तैयार करके भेजा है। उस ड्राफ्ट में ये है कि हमारे जैसे गांधीनगर विधानसभा में पहले 3 वार्ड थे, अभी भी 3 वार्ड हैं, और लेकिन 2 वार्डों के नाम बदल दिए। जैसे पहले रघुपुर वार्ड था तो अब उसका नाम गांधीनगर वार्ड कर दिया, और जो गांधीनगर वार्ड था उसका नाम अब आज़ाद नगर वार्ड कर दिया गया। तो एक परिसीमन जो उन्होंने जिस तरीके से भेजा है वह परिसीमन ठीक नहीं है, क्योंकि उसमें शास्त्री पार्क के वार्ड को एक पूरी तरीके से अलग की अलग लंबी पट्टी पर दिखा दिया गया है, जिसमें बुलंद मस्जिद से लेकर और कौशिकपुरी तक का इलाका जोड़ दिया गया है। तो हम तो ये कहते थे कि जैसे पहले वार्ड थे तीनों, उनका जो परिसीमन था वही वार्ड रहने दिए जाते तो अच्छा था और वही रहने चाहिए। जो ये जो परिसीमन का है, पहले परिसीमन समिति बनाई गई थी, उसके बाद में परिसीमन समिति रिपोर्ट करी है और अब पब्लिक डोमेन में डाला है 15 दिन के लिए। तो इसमें लोगों को जो ऑब्जेक्शन फाइल करने वो करेंगे, और निश्चित रूप से इसमें मैं समझता हूँ तीनों निगम एक होने से निश्चित रूप से
निगम का कार्य सुचारू रूप से और सबसे बड़ी बात है आर्थिक रूप से बहुत तरक्की करेगा। वार्डों पे क्या फर्क पड़ा है, कहीं वार्ड भी देखिए तीन हमारे शाहदरा विधानसभा में 4 वार्ड थे, अब 3 वार्ड हुए तो निश्चित रूप से थोड़ा थोड़ा हर एक वार्ड बढ़ा है, तो उसमें कोई बात नहीं है, ये तो एक प्रक्रिया है। हम तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो सारा क्षेत्र हमारा है, तो जैसे भी काम होगा उसको हम करेंगे। गांधीनगर विधानसभा में वार्ड तो पुनः 3 ही हैं, परंतु उनके नाम बदल दिए गए हैं, जैसे कांतिनगर वार्ड जो अब आज़ाद नगर हो गया है, और एक गांधी नगर हो गया है, और एक शास्त्री पार्क हो गया है, और बाउंड्री भी थोड़ी सी चेंजेस हुई हैं, थोड़ा एरिया मिलाया गया है, थोड़ा एरिया कम किया गया है। इस तरह से वार्ड तो 3 ही हैं, नाम बदले हैं, थोड़ी सी बाउंड्री चेंज हुई है, तो निश्चित रूप से विधानसभा वाइज तो वही परिसीमन है, विधानसभा की सीमाएं उतनी है, बस वार्ड में थोड़े से चेंजेस हुए। वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए शुरुआत से ही जगह जगह कैंप लगाए जा रहे हैं और लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए जागरूक किया गया है, और ये सिलसिला अभी भी लगातार जारी है जिससे कि लोग वैक्सीन लगवाकर खुद को सुरक्षित रख सकें। ऐसा ही कैंप चंद्रनगर में के मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा लगाया गया, जिसमें SDM भी शामिल हुए। वहीं SDM राजेंद्र कुमार ने कहा कि इस कैंप में काफ़ी लोग आए और रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा रहा। साथ ही कहा कि यहाँ पर गुरुवार को बूस्टर डोज के साथ साथ फर्स्ट सेकेंड सभी डोज लगाए जा रहे हैं। हमने कोविड इंजेक्शन, कोविड के टीकाकरण के लिए एक अभियान के रूप में इंजेक्शन दुकानदारों के और लोगों के और यहाँ की जनता सब के लिए एक कैंप का आयोजन किया है, जिसमें मेरी पूरी टीम ने सहयोग करा है, सभी दुकानदारों का सहयोग है, उनके सबके सहयोग से एक बहुत अच्छा शानदार 120 के लगभग टीकाकरण हो चुका है। आज की डेट में जो पहले जिस तरीके से तेज़ी से चल रहा था ये वैक्सीन वाला, वो शायद थोड़ा स्लो हो गया है, उस पर कम जोर दिया जा रहा है, और लेकिन जिस तरीके से पहले मोदी जी के नेतृत्व में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो ये अभियान चलाया गया था, अब वो सफलता की ओर है। देखिए ये वैक्सीनेशन कैंप एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस कोर्स डोज के लिए लगवाए गए हैं, क्योंकि बहुत से लोगों ने फर्स्ट और सेकंड डोज तो लगवा ली है, बट प्रिकॉशन डोज बहुत कम लोगों ने लगवाई थी। जो हमारा डाटा बता रहा था कि अभी लगभग 80% लोगों ने ये प्रिकॉशन डोज नहीं लगवाई थी, इसीलिए हमने टारगेट किया कि हम लोगों मैक्सिमम लोगों को कॉल करना है प्रिकॉशन डोज से। जबकि जो वैक्सीनेशन कैंप तो आसपास चल ही रहे थे, यहाँ से थोड़ा सा दूर पर स्कूल था, वहाँ काफ़ी दिन वैक्सीनेशन कैंप चला था, अब प्रिकॉशन डोज के लिए ये हम लोगों ने स्पेशली कैंप लगाए जा रहे हैं जगह जगह पर। तो ये अभी यहाँ पर इस जगह पर भी ये जो राधेपुरी चंद्र नगर का जो एरिया है, वहाँ की जो शॉपकीपर एसोसिएशन है, उनके सहयोग से मिलकर ये कैंप लगाया गया है। मेरे हस्बैंड ने बताया मुझे, वो यहीं से निकल रहे थे तो उन्हें पता चला कि लग रहे हैं बूस्टर डोज, सही है, ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ा, पास ही है घर के, तो अच्छा रहा। फायदेमंद है कि जैसे आज जो लोग ज़्यादा दूर नहीं जा सकते किसी वजह से इनकेपेसिटी या जो भी पोजीशन की है, उनको अपने डोर स्टेप पे चीज़ मिल जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि जैसे मोदी जी ने किया है कि बिना पैसे के सबका फ्री का सबका काम हो रहा है, बहुत आसानी होती है, कहीं जाना नहीं पड़ता भीड़ में, अपने यहीं पर गली के बिल्कुल पास में ही है घर के, और बहुत सही लगा है हमें। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप यूट्यूब पर जाकर CCN लाइव को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।